गौतम गंभीर की तरफ से सूरजमल विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित ईडीपीएल का मैच देखने के लिए सहारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष परवीन चौधरी साथी वकीलों के साथ पहुंचे। इस मौके पर परवीन चौधरी ने अवार्ड समारोह में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर परवीन चौधरी और उनके साथ आए वकीलों ने ईडीपीएल के आयोजन को लेकर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ईडीपीएल में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के बच्चों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। गौतम गंभीर का काम बेहद ही सराहनीय है। इस तरीके के आयोजन पूरे देश में होना चाहिए। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने लास्ट ईयर चालू किया था और इसमें नो डाउट आगे बढ़ने के लिए बच्चों के पास काफ़ी जो है एक मौका होता है आगे निकलने का। सारे ट्रांस यमुना में जितने भी लोग रहते हैं गौतम गंभीर जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी लीग का उन्होंने आयोजन किया है जिससे कि बच्चों यहाँ के बच्चों का प्रमोशन हो रहा है। मेरा नाम गौरव चौधरी है। जो तो गौतम गंभीर सर ने कराया है बहुत अच्छे लिए यूथ के लिए आगे बढ़ने का मौका है। क्रिकेट एक अच्छा स्पोर्ट्स है तो बहुत अच्छे टूर्नामेंट हो रहा है। मेरा नाम विनय गिरी एडवोकेट सादरा बार में प्रैक्टिस करता हूँ। और देखिए ये जो सांसद साहब ने जो ये इस लीग का आयोजन कराया है ये इससे जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें जो है बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हर साल इसका आयोजन होता है तो इसमें जो है जो उत्साहवर्धन बच्चे करते हैं और इनमें जो है प्रतिभा क्यों निखर के आती है इसके लिए सांसद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जोगिंदर खत्री। ये जो आयोजन हो रहा है बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। हमारे जो सांसद श्री गौतम गंभीर जी जो उभरती हुई प्रतिभाएं आ रही हैं उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। ऐसी प्रतियोगिता हमेशा होनी चाहिए। मेरा नाम उमेश यादव है और मुझे ये देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे जमुना पार इलाके में ऐसे भव्य आयोजन और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। मैं नितिन गिरी मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ सादरा बार से। देखो ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और ऐसे ही होता रहे, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहेगा यहीं से। थैंक यू। आप बताइए इस तरीके के आयोजन पे क्या कहना आपका? बहुत अच्छा, सांसद साहब का बड़ा सराहनीय कदम है और इसे हम अप्रिशिएट करते हैं।